नमस्कार साथियों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं एमपी करंट अफेयर्स के बारे में, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स देख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम देख चुके थे मध्य प्रदेश के उद्योगों के बारे में, 2019 तक जो चेंजिंग आई है, जो अपडेट हुआ है उसे देख चुके थे। अब देखते हैं परिवहन, इसमें क्या क्या अपडेट हुआ है। ठीक है, ये सभी एक ही जगह मिल जाएंगे आपको लेक्चर प्ले लिस्ट में। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2019 के नाम से सूची बनी हुई है, उसी में सभी डले हुए हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में परिवहन। मध्य प्रदेश में परिवहन के तीन साधन हैं, सड़क, रेल, वायु। राज्य में उपलब्ध खनिज वनोपज, कृषि उपज, उपभोक्ताओं वस्तुओं एवं जन सामान्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन के लिए रेल, सड़क, वायु मार्गों का उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में रेल मार्गों की अपर्याप्तता के कारण सड़क यातायात पर निर्भरता अपेक्षाकृत अधिक है। सड़क परिवहन की बात करें, वर्ष 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में सकल राज्य मूल वर्धन में विचलित भावों में वर्ष 2017-16 में 2.71, वर्ष 2017-18 में 2.65 तथा स्थिर भावों पर 2016-17 में 3.13 और 2017-18 में 3.8% योगदान है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2005 को सड़क वर्ष घोषित किया गया, याद रखना वर्ष 2005 को मध्य प्रदेश के द्वारा सड़क वर्ष घोषित किया गया। मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व 31 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर है, जबकि राष्ट्रीय औसत है 83 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला है सतना, सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला है शिवपुर। सबसे ज़्यादा कौन है? सतना, सबसे कम शिवपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश में सड़कों की लंबाई 3500 वर्ग किलोमीटर पर 52 किलोमीटर है। बात करते हैं मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा साधारित सड़कों की लंबाई, तो हम लोग देख लेते हैं 2018 की। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तो 16 और 17 का देख ले, हम लोग 18 का देख रहे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 8010 किलोमीटर और प्रांतीय राजमार्ग 11389, मुख्य जिला मार्ग 22129, जिला एवं ग्रामीण मार्ग 23395 और कुल यू है 64923। ठीक है, अब बात करते हैं आगे मुख्य जिला सड़क। राज्य में वर्ष 2018-19 में कि जनवरी माह तक मुख्य जिला मार्गों की लंबाई 22129 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश में 3200 करोड़ रुपए की लागत से 2143 किलोमीटर लंबे मुख्य जिला मार्ग बनाने की योजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश में कुल 2018 में 8010 किलोमीटर और भारत में कुल 115530 किलोमीटर। राजमार्ग की बात करें तो 11389 किलोमीटर मध्य प्रदेश में और भारत में 176166 किलोमीटर। मुख्य जिला मार्ग की बात करें तो 22129 किलोमीटर मध्य प्रदेश में और देश की बात करें 52,26,161। ठीक है, 53,26,166 किलोमीटर। ठीक, अब ग्रामीण मार्ग की बात करें 2018-19 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 4000 किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण किया गया, 7500 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण और 65,000 किलोमीटर सामान्य सड़कों के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया है।
मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाएं एवं उपलब्धियों की बात करते हैं। 2018 में मध्य प्रदेश ग्रामीण संपर्क परियोजना के लिए भारत सरकार व विश्व बैंक ने $210 मिलियन का ऋण प्रस्तावित किया। ठीक, आगे बात करते हैं। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्राधिकरण द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग कर 3,811 किलोमीटर मार्गों का निर्माण किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्लास्टिक अवशिष्टों का उपयोग कर लगभग 1,149 किलोमीटर लंबे मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 1,159। ठीक, बात करते हैं अपनी बस सूत्र सेवा योजना। 23 जून 2018 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इंदौर में से मध्य प्रदेश की अपनी बस सूत्र सेवा योजना अमृत योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई। यह बस सेवा मध्य प्रदेश के 20 चयनित शहरों में प्रारंभ की जाएगी, जिसके अंतर्गत 16 नगर निगमों में, जिनमें शामिल है ग्वालियर, नैरोगेज, उज्जैन, देवास, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, रतलाम, बुरहानपुर, सिंगरौली, कटनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, सतना, 4 नगर पालिका है, भिंड, शिवपुरी, गुना, विदिशा। सड़क परिवहन संबंधी अनुमति पूर्ण तत्व। तो वर्ष 2017-18 में इंदौर जिले में तकनीकी रूप से सुदृढ़ ड्राइविंग टैक का निर्माण किया गया तथा ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, सागर ड्राइविंग टेक प्रारंभ करने के लिए केंद्र सरकार को वित्तीय प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्र सरकार द्वारा पांडुरना, छिंदवाड़ा में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल तथा फिटनेस सेंटर का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बस स्टैंड खरगोन में है। बड़वानी के सेंधा बोड़ा सेंधवा बॉर्डर से मध्य प्रदेश के को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग 3 और 6 मिलते हैं। ब्यावरा राजगढ़ को मध्य प्रदेश का चौराहा कहते हैं। चंबल एक्सप्रेस वे 2018 में 300 किलोमीटर लंबे छह लेन वाले चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्य को लाभ होगा। यह मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, श्योपुर, याद रखना, जिलों से गुजरेगा। भिंड, मुरैना, श्योपुर। आगे बात करते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश के रेल मार्गों की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जो देश के कुल रेल मार्ग का 10%, जबकि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर रेल मार्ग घनत्व 15.9 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश रेलवे को देखते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन को वर्ष 2017 में देश में प्रथम निजी रेलवे स्टेशन बनाया गया। इसका संचालन कौन करेगा? बंसल ग्रुप के माध्यम से किया जा रहा है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम वर्ष 2019 में अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन रखा गया है। नई रेलवे, नया मध्य प्रदेश पुस्तक का विमोचन 1 जून 2018 को रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश में भोपाल जिले में रेल विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश का प्रथम पिंक स्टेशन 2019 में मदन महल जबलपुर घोषित किया गया है। जबलपुर रेलवे स्टेशन देश का प्रथम वाईफाई एवं स्वचालित रेलवे फाटक सुविधा वाला स्टेशन है। हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस भोपाल एक्सप्रेस देश की प्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली ट्रेन है। इसके अतिरिक्त रीवांचल एक्सप्रेस भी ISO प्रमाण पत्र ट्रेन है। प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है इटारसी होशंगाबाद में है।
रेल कोच फैक्ट्री है 1976 में भोपाल निषादपुर निषादपुरा। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना भोपाल में। रेलवे डीजल इंजन कारखाना इंदौर और विदिशा में है। रेलवे कोच फैक्ट्री झाबुआ में प्रस्तावित है। रेलवे सिंह स्प्रिंग कारखाना ये ग्वालियर की सिथौली में है। बैगन रिपेयर वर्कशॉप ये सतना में है, तो आपको याद रखना है। और अगला है इलेक्ट्रॉनिक लोको शेड ये कटनी इटारसी में। रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल में है। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री सीहोर में है, निर्माणाधीन है। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बनखेड़ी बुधनी में है। 4 अक्टूबर 2018 को भोपाल मेट्रो कुल लंबाई इसकी 27.87 किलोमीटर तथा इंदौर मेट्रो कुल लंबाई है 31.55 किलोमीटर परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये था हमारा परिवहन से संबंधित चैप्टर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आर्थिक नियोजन एवं मध्य प्रदेश का बजट के संबंध में। ठीक है।